मतलब उर्दू में और व्हाट एल्स यू कैन स्पीक इन उर्दू उनकी हालत खराब है बनाने में तो 2 घंटे लगते हैं ओके ये देखें भाई ये थंबनेल की पिक्चर ली है फाज ने आवाज आ रही है ओए ओए भाई क्या बना रहे हैं किस चीज की कढ़ाई है झींगा कढ़ाई बन रही है देखो खुशबू देखो कैसी आ रही है माशाल्लाह यार अलग ही लेवल है इसकी खुशबू हाय 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 झींगा कढ़ाई अच्छा बकायदा झींगे की खुशबू आ रही है ऐसी खुशबू आ रही है क्या बताएं आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल भाई कैसे हैं आप लोग खैरियत से ठीक ठाक भाई सुबह सुबह मैं अभी जा रहा हूँ उठ के बल्कि सुबह सुबह तो नहीं रही 10:15 बज गए लेकिन मुझे जल्दी जाना था क्योंकि कल रात को दोस्तों के साथ काफी देर तक बैठे रहे और आज के काम थोड़े से लेट हो गए अब्दुल कभी कुछ कह रहे हैं मुझे अब्दुल कभी क्या कह रहे हो मुझे भी जाना मैं काम से जा रहा हूँ आप क्या करोगे काम करूंगा कैसे करोगे काम कैसे यूं यूं कल के बताओ आपने क्या किया था कैसे करोगे किस पे काम करोगे ऐसे लैपटॉप पे काम करोगे मेरा बच्चा चले भाई मैं जा रहा हूँ काम से और आप लोगों को भी साथ देके चाहता हूँ दिन स्टार्ट करें आ जाए भाई कल रात में एक प्रॉब्लम हो गया था कि हमने जो है ना अब्दुल बासित भाई को बाइक तो दे दी लेकिन जज्बात में हम हेलमेट देना ही भूल गए ये नया हेलमेट भी हमने इनके लिए लिया हुआ था ठीक है तो ये जो है ना अब हम इनको आज दे देंगे इंशाल्लाह अब जो है ना भाई पहले सबसे पहले पासपोर्ट जमा कराने के लिए अपना जाना है यूके के लिए आप लोगों को भी मैं सबको लेके चल रहा हूँ चले भाई मैं पहुंच गया हूँ और अब मैं जाता हूँ अपना पासपोर्ट लेकर जमा करा के आता हूँ आज ऐसा ना हो यूके वाले बोले कि अरे मुस्तफा भाई आप आए आपका वीजा तो हम हाथ में लेके बैठे ये अभी हाथों हाथ स्टैम्प कर देते देख लें 1:36 हो रहा है अभी ठीक है पासपोर्ट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जमा करा दिया लेकिन मैं तकरीबन जो है ना 12:30 पासपोर्ट जमा के आ गया था और 1 घंटा मैंने गाड़ी में बैठ के क्या किया अदनान भाई आपने वीडियो एडिट करी कल का जो ब्लॉग था मेरा वो मैंने पूरा एडिट किया यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं ना कितनी मेहनत कर रहे होते हैं भागम दौड़ उसके अंदर भी 1 घंटा यहाँ पे गाड़ी में एडिट किया और अभी अपलोड पे लगा रहा हूँ ठीक है भाई और अभी आज के दिन में बहुत इंटरेस्टिंग काम है अच्छा एक और चीज बता दूं इन लोगों ने बोला कि 7 से 10 दिन लगेंगे भाई जान आपका पासपोर्ट वापस आने में दुआ कीजिएगा जल्दी आ जाए क्योंकि 25 अक्टूबर को तो हमारा प्लान था और अल्लाह ने सब बेहतर किया इंशाल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया तो हम आपको जल्दी यूके लेके जाएंगे अपने साथ भाई बराबर में बाइक वाला आया मुझे लगा गया मोबाइल भाई उसने बोला मुस्तफा भाई आ जाए साइड में जरा एक पिक्चर लेंगे मैंने बोला सही भाई आ जाओ मोबाइल तो बच गया अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं भाई कहिए भाई सुबह से निकला हुआ था अभी तक घर नहीं गया था 3:35 हो गए देख लें आप लोग सही है और अभी मैं एक जगह पे खड़ा हुआ था मोबाइल के सिग्नल अच्छे मिले कहीं से कैच किए मोबाइल के सिग्नल वीडियो अपलोड पे लगाई हुई थी गाड़ी टिका के रखी हुई थी एक जगह पे ताकि आप लोगों को ब्लॉग मिल जाए फिर भी थोड़ा सा लेट हो गया उसके लिए माजरत लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि कितना स्ट्रगल होता है एक ब्लॉग को एडिट करने में अपलोड करने में बहुत सारे मामले आते हैं और अब दूसरी बात यह है कि भाई आज के दिन की एक और एक्टिविटी ये है कि एक फॉरेनर आई हुई है कराची तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग कराची हाइट के आप जो है वो होस्ट करें सही है तो आप कराची में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे लेके जाएं तो वो फॉरेनर जो खातून आई हुई है हम उनको आज लेके जाएंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को भी लेके जाएंगे ऐसा नहीं आप लोगों को लेके नहीं जाएंगे आप लोगों को भी लेके जाएंगे सबको लेके जाएंगे तो आप लोगों ने भी साथ चलना है ठीक है भाई जान तो अभी बस हम उसी की तैयारी करें मैंने पहले उनसे पूछ लिया मैंने बोला कि आपने कराची में अभी तक क्या क्या देखा है तो उन्होंने मुझे बता दिया कि सिर्फ बंस रोड देखा है मैंने बोला ठीक है तो फिर आपको जो है ना कहीं और लेके चलते हैं कहीं और अभी नहीं बताऊंगा आपको बाद में बताऊंगा चले भाई तो अब मैं निकल रहा हूँ जो खातून आई हुई हैं उनसे बात हुई थी कि शाम में जो है ना पहुँचना है केमाड़ी सी फूड स्ट्रीट पे ठीक है तो उन्होंने जो है वो डायरेक्टली पहुँचना था मैंने यहाँ से एक हमारे दोस्त हैं उनके साथ पहुँचना था तो हमारे दोस्त आ गए हैं और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं रास्ता बंद क्यों क्या हुआ आपने यार चाचा का रोड है क्या हाल है भाई कैसे हैं आप ठीक हैं ट्रेनिंग से आ रहे हैं पेपर दे के आ रहे हैं मैं पेपर भी दे के आ रहा हूँ ट्रेनिंग से क्या बात है यहाँ पे भी जो है ना व्लॉग की तैयारी हो रही है 13 Pro Max ले लिया माशाल्लाह फहद भाई ने अल्पाइन ग्रीन कलर जबरदस्त और माइक वाइक लगा रहे हैं फुल सेटअप सही हम देखे हम कुछ भी नहीं लगा रहे हम ऐसे ही चल रहा है सादा सुलेमानी बिल्कुल सिस्टम ठीक है पेट्रोल जो है ना बिल्कुल एंड पे आ गया सही है हम यहीं पे डलवाएंगे स्टेडियम वाले पेट्रोल पंप से सही है इसके बाद निकलेंगे ये देखे भाई केमाड़ी जा रहे हैं हम लोग अच्छा भाई हम लोग जो है ना ये देखें सी फूड जो सीन है ना सारा यहाँ पे पहुंच गए केमाड़ी का भाई किससे मिलने के लिए आए नाम तो बताएं जरा उनका नाम बड़ा मुश्किल है मुझे तो नहीं आता वो इट्स सैयदा नूर नहीं है सैदा नूर करके लिखा होता है पता नहीं हो सकता है दूसरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कुछ आज पूछ लेंगे नाम के भाई नाम क्या है अच्छा लेकिन जो है ना इंग्लिश वगैरह सारी वोकैबुलरी जमा करके आए हम सही ये तो बड़ा पता है जितनी इंग्लिश है सारी आज बोल दीजिएगा ना ये इंग्लिश बोलनी पड़ेगी हाँ आज बोलनी पड़ेगी आज सिर्फ इंग्लिश गाड़ी लगी नीचे हाँ गाड़ी यहाँ लगती है डायरेक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ गाड़ी यहाँ लगती है ये देखें भाई फंस गए यहाँ पे सारी जो है ना बसें ही बसें हैं सही है अब वापस लेके जानी पड़ेगी गाड़ी देखें भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं सही है ये सारी जो है ना मछलियाँ हैं आप लोग देख सकते हैं जो मछली चाहिए सब मिलेगी यहाँ पे
सही है, अब हम अंदर जा रहे हैं, पूरी फूड स्ट्रीट अंदर है। ये कौन सा है भाई? पुकिया। पुकिया क्या होता है? पुकिया मछली का नाम है उसका। अच्छा, ये अभी आप खुद पकड़ के लेके आए हो? देखना भाई, हालत खराब हुई है भाई, ढूंढ अकड़ा किया ना साहब। ओहो जबरदस्त, ये देखें भाई, ताजी ताजी मछली है भाई। ओहो ये सिलसिला है, सही है ना, ये गली है जिसके अंदर सारा सीन होता है। और इस टाइम पे जो हम लोग आए ना, अगर आपने सुकून से सी फूड जो है ना एंजॉय करना है ना, आप लोग आ जाए असर की नमाज पढ़ के, ठीक है। अगर आप रात में आएंगे आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए सब कुछ फुल होगा। हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली आते हैं तो असर के बाद यहाँ पे आते हैं, ऑर्डर देते हैं, मगरिब के बाद खाना तैयार होता है इसका, खा के निकल जाते हैं। ये देखें मछली के समोसे खाएं कभी? मछली के समोसे? हाँ मछली के समोसे भाई, आलू के। अच्छा अच्छा, सलाम वालेकुम। क्या है भाई, क्या है? केकड़े का सूप है, यखनी है। ओ हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सही है, ये रेडी है ना भाई आप केकड़े का सूप? हाँ हाँ, तुम परिंदे वगैरह पकड़ रहे होते हो ना, सब कुछ तो खा रहे हो, तो आज वीडियो बना अल्हम्दुलिल्लाह केकड़े का सूप पी लिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वी हैव अ चैलेंज फॉर यू। यस यू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन थैंक यू। ओके, वी हैव अ चैलेंज फॉर यू टुडे। यू आर यू कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड स्पीक उर्दू। बस आपको नो इंग्लिश टुडे। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई इंग्लिश उर्दू के अल्फाज? और कोई अल्फाज मतलब उर्दू में? और व्हाट एल्स यू कैन स्पीक इन उर्दू? इनकी हालत खराब हो रही है। She's confused. I know many things. Pakki Vata. Or what I learned. Parmaji, isse banane mein to 2 ghante lagte hain. 2 ghante lagte hain. Okay. Urdu bol rahi hai magar abhi waqt lagega aista aista. But you will learn gradually. You will learn Urdu. Inshallah, I have to. Yes. I have to. So what is your plan? How long you are in Karachi? Inshallah, till next year, July. Oh, that's great. So how you find people of Karachi? Amazing. Yeah. Okay, so Karachi is actually my favorite city. That's why I shifted to Karachi. Mashallah. भाई देखें कराची आके जो है ना बहुत खुश हैं ये, ठीक है। तो हमने सोचा कि आज क्यों ना इनको होस्ट करते हैं हम। और सी फूड अभी तक इन्होंने जो है ना यहाँ पे एंजॉय नहीं किया था। आज इनको बड़ी बड़ी मछलियाँ खिलाएंगे और खा के मजा ही आ जाए। वी हैव अ लॉट ऑफ यू नो बिग फिशेस देयर ओवर देयर। सो हैव यू ऑलरेडी एक्सप्लोर्ड दिस स्ट्रीट? या वी जस्ट क्रॉस्ड इट। ओके ओके, वी विल स्टार्ट नाउ इंशाल्लाह। इन उर्दू? Fish? No, in Urdu. Machli. 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 Yes, machli. Zor se bolo, zara machli. Okay. अच्छा ये सुरमई इतनी बड़ी? वाह भाई। किंगफिश है ना इनके पास जो है ना, काफी मतलब जो है ना अच्छा खाना मिल जाता है अगर आपने सी फूड खाना है तो, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सी फूड रेस्टोरेंट एट कैमारी सी फूड स्ट्रीट। ओके, सो वी विल बी हैविंग डिनर फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट इंशाल्लाह। बस ये इसको ले जाओ ना घर पे, अपने कलेक्शन में इसको इस्तेमाल करो। मैं ऐसे करके कोई भी काम करें दुनिया में भाई, नमाज पहले नमाज पढ़ के आराम से, इसके बाद फिर आप काम करें, सारे सुकून मिल जाता है। हम नमाज पढ़ के आ गए, ठीक है। अब हम जो है ना बराबर वाली एक और गली है उसके अंदर आ गए, जरा सीन आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। वो सैदा नूर जो है ना वो कहीं आगे पीछे हो गई, वो भी कहीं घूम रही होंगी, ठीक है। ये देखें भाई यहाँ पे जो है ना फुल प्रॉन श्रॉन का भी सीन है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है। ये कौन सी है? ये पापलेट है। पापलेट है, हाँ छोटी पापलेट है। किंग फिश सुरमई ना? हाँ। ओहो डंडिया। ये कौन सी है? रेड स्नैपर। हीरा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है भाई। सीजन आ गया है, सीजन आ गया है। ये तो जिंदा है ये वही है जो जिससे शिकार किया होता है इसका, ये वही डोर है। अच्छा अच्छा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये डोर जो आप लोगों को नजर आ रही है ना, ये वो है शिकार की डोर है। सही है ना, ये पता है इतनी वो गिली सी, मतलब हाथ लगा रहा हूँ ना ऐसे चिकनी चिकनी है ना, ये चिकनी चिकनी क्यों है, क्या वजह है इसकी? अच्छा ताजा, बिल्कुल ताजा है। ओहो क्या बात है। ढूंढते ढूंढते हम जो है ना थक गए थे। सही है, वो सामने है वहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है। सही है, यू वॉन्ट टू ईट? यू कैन होल्ड, यू कैन होल्ड इट। हाँ ओके नो प्रॉब्लम, दे विल गिफ्ट यू, टेक इट विद यू। यस यस, ये बिल्कुल जो है ना वो कछुए की तरह है। ये इसकी जो है ना हार्ड स्किन है कछुए की तरह।
ये भाग रहा है चला भाई, ये मौके का फायदा उठाते हुए जो है ना ये भाग रहा है। देखें ये जो इसका मुंह है ना जिससे काटता है ये बांधा हुआ है। अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों में से कभी किसी को काटा है केकड़े ने? ये अली भाई को काटा। दिखाएं भाई हाथ, दिखाएं कोई निशान निशान है? इधर आए, इधर आए। पूरा गोश्त खा लिया। ओए होए हो, ये देखें उंगली आ बड़ा, कितना बड़ा था केकड़ा? 800 ग्राम का था। ओहो हो, मतलब खतरनाक चीज है। हाँ देखे भाई, ये देखे माशाल्लाह कैसे पकड़ लिया इसने फिश को। ओह लटक भी गया पकड़ के भाई, इतना खतरनाक है, जबरदस्त। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू इन उर्दू, क्या खाएंगी आप? आप क्या खाएंगी? यस क्रैब। क्रैब भाई इनके लिए जो है ना क्रैब का क्या बनता है? वीआईपी बारबेक्यू कढ़ाई। हाँ सही है, कढ़ाई और बारबेक्यू। व्हाट वुड ही रेकमेंड? Like, बेस्ट क्या है? बेस्ट प्रॉन कढ़ाई भी करें, ठीक है, और ये भी करें। इसका क्या बारबेक्यू बोला उन्होंने, क्या बोला? हाँ सही है, तो इसका बारबेक्यू करें। ओके इसका बारबेक्यू करें, ठीक है, क्योंकि जो है ना ये सैदा नूर ने खाना है, और बाकी प्रॉन कढ़ाई करें हमारे लिए। और मछली में क्या करेंगे? बेस्ट वीआईपी कौन सी है? ये हीरा, हीरा सही है, इसका ग्रिल करा लें। सही है भाई, जो खाना आप ऑर्डर देते हैं ना वो यहाँ पे कटता है और यहाँ पे साफ होता है। ये देखें हाँ, ये हमारी हीरा है ना, हाँ ये हीरा है ना, ये हीरा है। ये भाई ग्रिल होगी, ठीक है, अब देखें इसकी सफाई हो रही है। सही है भाई जन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में? सही है भाई, ये देखें ये सफाई कर रहे हैं। आप स्पाइसी खाएंगी या नॉन स्पाइसी खाएंगी? स्पाइसी। स्पाइसी, बहुत स्पाइसी। ओहो भाई ये कराची वाली बात कर दी इन्होंने भाई, स्पाइसी सही है, लेवल कर दें। स्पाइसी इज गुड राइट? ओके ये हो गई बात भाई, कराची आई। पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरियाज हैं उनमें सबसे ज्यादा अच्छी जगह इनको कौन सी लगी, क्योंकि काफी घूमी फिरी हैं। व्हिच प्लेस यू लाइक मोस्ट इन नॉर्दर्न एरियाज? एक्चुअली होल केपीके, आई लव चित्राल, आई लव कैलाश स्पेशली, एंड होंस वाज आल्सो ब्यूटीफुल। हैव यू विजिटेड कुमराट वैली और नॉट? Yes, I did. And the trip to Kumrat Valley was horrible. The road. The road is not good, yes. Kalam, you know, we took the road from Kalam. Yes. I thought I'm going to die. Okay. But when you reach at Kumrat Valley, how was your experience? It was very beautiful. It was like pure nature. Yes. It was so serene and beautiful. I was like, okay, it was worth it. That we just stayed for a couple of hours and that was a mistake. Yeah. If you go to Kumrat, stay a couple of days. Yes, because I've been in Kumrat for more than 4 times. Mm-hmm. My favorite place in Pakistan. Seriously? Yes, seriously. भाई मैं इनको बता रहा हूँ कुमराट वैली आपके भाई की फेवरेट जगह है, और मैं तकरीबन 4 मरतबा जो है ना वहाँ पे जा चुका हूँ भाई। इतना जल्दी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि खाना बन के आ जाएगा, ठीक है। ये जो है ये मेरे ख्याल से वो है अपना फिंगर फिश है, नहीं ये फिंगर फिश है, फिंगर फिश है ये, और ये खतरनाक चीज भाई केकड़ा है, और ये क्या है, ठीक है, ये भाईजान है प्रॉन कढ़ाई, ये हीरा ग्रिल है, सही है, ये हमारी फिंगर फिश है, ये मेरे ख्याल से इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा लगवाया। और ये प्लीज हैव अ सीन, एंजॉय एंजॉय सी फूड ऑफ कराची। ये भाई गर्मा गर्म चपाती आ गई, फिंगर फिश, यस इट्स बोनलेस रेडी टू ईट, फेवरेट क्रैब्स। ये इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ। इफ आई वुड हैव नोन हाउ दे आर कटिंग देम आई वुडंट हैव ऑर्डर्ड देम। हां आई वाज सो सॉरी, बड़ा अफसोस हुआ, इनका दिल दुखा, मतलब ये कहना चाह रही है दिल से बुरा लगता है यार, मतलब कि किस तरीके से इसको काटा है। अब जरा देखते हैं कि इनको जो है ना खाना कैसा लगता है भाईजान, सी फूड कैसा लगता है। प्लीज प्लीज स्टार्ट, यू डू द ऑनर्स। गरम गरम है, यू नो गरम गरम है, गरम गरम है, इट्स फ्रेश फ्रेश हॉट हॉट, सो प्लीज स्टार्ट। बहुत गरम, बहुत गरम, यस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऐसे लग रहा है प्लास्टिक खा रहा है। दिस इज व्हाट आई ईट राइट? या ऑब्वियसली यू कैनॉट चू द आउटसाइड। या ओके भाई, ये क्या कर जा रही है? बड़ा डेयरिंग काम है भाई ये। सो हाउ इज इट, कैसा टेस्ट? इट्स फिश राइट? ओहो सेम लाइक फिश? या इट्स बेटर। आगे देखें मुझसे होगा, हमसे ना हो पाएगा भाई। सबसे पहले जो चीज़ अट्रैक्ट करी है ना वो ये है फिंगर फिश। अब हम जो है ना इसके ऊपर जो है ना सबसे पहले आएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो भाई एक मिनट ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं आपको बना के देता हूँ। वो रायता उठाएं, अर्जेंट है, इमरजेंसी है। ये नहीं, ये नहीं, इसको खोलें। हाँ बिस्मिल्लाह, इधर निकला, और इसको हम इसको यहाँ रखेंगे, और ये आपके ये इसको यहाँ डुबाएंगे, सही है ये, और ये आपके आ आ करें आ आ ये वो कहते हैं ना आ हा 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 हा।
How's the finger fish? Yummy? Mazedar? I don't want to talk. Bolni disturb sab nahi karo bhai khane do. It's really good. You can say mazedar. Yummy. सब छोड़ दें अब जो है ना असल जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है ना राशिद सी फूड की वो है कड़ाई. ये कड़ाई और झींगा कड़ाई सही है प्रॉन कड़ाई. ओए होए फील करें आप लोग बस फील करें सही है आप लोग फील करें इतनी देर में मैं खाता हूँ सही है. ये आपने ये पूरी रोटी का एक निवाला बना लिया आधी रोटी का एक निवाला आधी रोटी का एक निवाला एक आधी चपाती का और इसके ऊपर ये लोडेड ये किया हमने और इसको ओह चला के मुंह एक साथ ही पूरा. अब थोड़ी देर तक आप बोल नहीं सकेंगे भाई कुछ. Is this chili? Yes, yes. कैसी है मजेदार वीआईपी कैसी लगी भजन बहुत आला मिर्चों वाली मजे ही आ गया. भजन आपको क्या लगा बेस्ट प्रॉन बेस्ट है ना भाई हमारी तो जो है ना यहाँ पे हालतें खराब हो गई पसीने छूट गए हमारे सही है क्योंकि स्पाइसी फिश जो खाई हमने ऐसे ही वजन हालत खराब हो गई. हाँ खराब हो गई भाई. अब इनसे पूछते हैं कि इनको सबसे अच्छा क्या लगा आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा सबसे ज्यादा अच्छा व्हाट यू लाइक मोस्ट प्रॉन कढ़ाई सबको यही अच्छा लगा सब फैन हो गए भाई इसके सब फैन हो गए. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड डिनर ओवरऑल हाउ वाज योर डे विद अस Amazing. You enjoyed our gathering. Very funny. She's saying very very funny. भाई जब तक जो है ना तफरी नहीं होगी तब तक मजा ही नहीं आएगा. क्यों भाई जान ऐसा ही है. ऐसे ही भाई बिल्कुल सही. चले भाई हमारे मेहमान हैं इंजॉय करके जाएंगे यहाँ पे अच्छी मेमोरीज लेके जाएंगे इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए. ऐसे ही भाई कुछ भी नहीं चाहिए. ये देखें भाई ये थंबनेल की पिक्चर ली है फाद ने. हाउ इज मेकिंग द फेस सदन. गाड़ी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत के साथ यहाँ पे खड़ी हुई थी. अब हम लोग निकल रहे हैं ठीक है. रात के 11 बज रहे हैं ठीक है. और मैं आज थोड़ा सा जल्दी आ गया था घर पे तो बच्चे दोनों जाग रहे हैं वरना नॉर्मली बच्चे सो जाते हैं. तो भाई अब मैं थोड़ा फैमिली के साथ टाइम गुजारता हूँ. होपफुली आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी स्पेशली जो हमने गेस्ट को होस्ट किया था ठीक है. तो आप लोगों ने वीडियो को बड़ा एंजॉय किया होगा और खाना भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय किया. केकड़े को छोड़ के जो है ना आपके भाई ने सब खाया और माशाल्लाह बहुत मजेदार था बहुत जबरदस्त था. तो कल की वीडियो में मिलते हैं. स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करें सपोर्ट करें सही है. अस्सलाम वालेकुम.